मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तो कागज कलम लेके बैठते थे। अब तो हमें इल्म की कदर नहीं है ना, बड़ी बड़ी हसीन बातें होती हैं पर वो दो चार घंटे सुनने के बाद भूल जाती हैं, चूंकि महफूज करने का मियार ही नहीं, तबीयत ही नहीं। तो वो सहाबी जब हुजूर की बारगाह में आया करते थे तो कागज कलम लेके आते, महबूब जो भी इरशाद फरमाते लिख लेते। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि यार हुजूर की तबीयत मुबारक कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी खुश तबी में, कभी किसी तरह, तो हर शाय लिख लेता है। देखा कर, जब हुजूर तरबियत के अंदाज में और लोगों को समझाने के अंदाज में वाज़ व नसीहत कर रहे हो, उस वक्त लिखा कर। जब किसी से इनफरादी गुफ्तगू हो रही, सिर्फ फकत एक शख्स पर फोकस हो, एक से बात हो रही हो, तब ना लिखा कर। जब इज्तिमाई तौर पर कोई दस्तूर, कोई मंशूर दिया जाए, तब लिखा कर। तो हर बात लिखता है हुजूर, कभी मुस्कुरा के बात करते हैं, कभी जलाल में। उसने कहा यार तेरा फलसफा तो ठीक है, लिखना छोड़ दिया। कहते अगली शाम में बगैर कागज कलम के आया तो महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया, तेरे कागज पेंसिल किधर है, तेरा कागज पेंसिल किधर है। मजमे पे बैठे लोग समझते हैं शायद सामने वाले को इतने लोगों में खबर नहीं, लेकिन जो ताड़ने वाले हैं वो कयामत की नजर रखते हैं, वो खबर होती है कि कहां क्या हो रहा है। किस मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे, हम तो बात करते हैं तो कई दफा समझ आ जाती है चेहरे का असर देख के, अब ये सोच क्या रहा है, अब ये क्या अंदर खिचड़ी पका रहा है। यहां तक अल्लाह वालों को समझ आती। कहते नबी पाक अलैहि सलाम ने जब पूछा ना कागज कलम कहां है, तो मेरे आंसू ही निकल गए। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरे महबूब की मुझ पे नजर रहती है कि ये किस हाल में आता है, किस तरह आके बैठता है, क्या इसका अंदाज है, हुजूर को पता है। फरमाते मैं रो पड़ा, कागज कलम किधर है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों ने कहा था कि हुजूर कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी इनफरादी गुफ्तगू करते हैं तो हर शाय लिखता है, खास खास मौके के बाद वो नसीहत लिखा कर। तो फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया उक्तुब उक्तुब उक्तुब, तो लिखा कर लिखा कर लिखा कर। मैं किसी हाल में भी हूँ, किसी रंग में भी हूँ, किसी मौके पर भी हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। किसी मौके पर भी कोई बात खिलाफे वाक्या निकलती तो उम्मती कैसे कहता है कि मैं मस्जिद से बाहर जाता हूँ तो फिर बात करता हूँ। क्यों भाई, मस्जिद के बाहर क्या है और मस्जिद के अंदर क्या है, जो रब अंदर है वही रब मस्जिद के बाहर भी है। फरमाया जिस हाल में भी हूँ, जिस मौके पर भी हूँ, जिस जगह भी हूँ, जिस घड़ी भी हूँ, मेरी जुबान से हक और अपने आप को सदाकतों का आदी बनाए, सच बोले, सच्चे रिश्तों में मजबूती होगी, सच्चे रिश्तों में मजबूती होगी। जो रिश्ते सच्चे होंगे वो इत्मीनान पर कायम होंगे। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाए, लेकिन कभी भी सच का साथ ना छोड़े। अगर सच बड़ा अच्छा है तो सच्चे का साथ भी बड़ा अच्छा है, और अगर झूठ बहुत बुरा है तो झूठों का साथ भी बहुत बुरा है। अलमरु अला दीन खलीलिही औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोग अपने सरदारों के मजहब और अकीदे पे होते हैं। अगर तू झूठों के साथ बैठता है तो मत समझना लोग तुझे सच्चा समझेंगे, झूठा ही जानेंगे। सच बोले, सच्चाई तकसीम करें, सच्चों के साथ रहे, सच्चों का साथ दे। अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए।